हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडोपोलिस। आज मैं आप लोगों से हलवाई वाला मावा बनाने की ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया बात क्या है कि मैं इस वीडियो को देखूं, तो इसमें नया बात ये है कि आज मैं हलवाई वाला ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। और उसके लिए मैंने आधा कप दूध ले लिया था, लिक्विड दूध, और उसमें एक कटोरी मैं घर का ही मलाई डाल दी हूँ। और इसे हम लोग कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट का ही रेसिपी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मावा की रेसिपी जो है हर कोई शेयर करता है, लेकिन इसमें नया बात क्या है। इसमें नया बात यह है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हलवाई लोग बहुत सारा दूध जो है यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो उन लोगों का जो है परता में नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा, जिसे ऑल पर्पज़ फ्लोर भी बोलते हैं, और उसे डाल करके कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो इसमें जो है लम्प पड़ जाएंगे। और इस ट्रिक से आप लोग बहुत सारा जो है मावा बना सकते हैं। और इसमें बहुत सारे अभी टिप्स हैं जो कि आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपका जो है मावा परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये 10 मिनट में ही बनके तैयार हो जाएगा। मावा हमारा, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी घना नहीं हुआ है। और इसमें मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, ये मैंने शुगर सिरप थोड़ा सा डाल दिया है। मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ आप लोग उसी तरीके से बना करके दिखाएं। और बिलीव मी गाइज, आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि ये बाहर के जैसा, एकदम जो बाहर से हम लोग मावा खरीद के लाते हैं वैसा मावा बन के तैयार होगा। और आधे कप दूध से जो है हम लोग आधा केजी मावा बन के तैयार होगा। और इस मावे से आप लोग देख पा रहे हैं मावा ठंडा हो चुका है, और इस मावा से आप कोई भी मिठाई वगैरह बना सकते हैं। और थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं, ये एकदम रियल मावा के जैसा टेस्ट आएगा। तो रेसिपी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे healthy।